हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा रविवार को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अपशब्द बोल गए। इससे कांग्रेस नेता और इनसो नेता बहुत नाराज हुए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फागण मेले के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधन करते हुए रामबिलास शर्मा की जुबान फिसल गई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के अपशब्द के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर सभी जगह रोष प्रदर्शन शुरू हो गया है। बयान पर भड़की कांग्रेस ने हरियाणा भर में विरोध तेज कर दिया। रामबिलास शर्मा का पुतला फूंका और रामबिलास के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ दिए बयान का मामला सिरसा में भी तूल पकड़ता दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ यह नारेबाजी की और रामबिलास शर्मा का पुतला जलाया। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री रामबिलास शर्मा जी, जो अपने आप को बड़ा शिक्षा विदित कहते हैं, उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी, वैसे तो इनका स्वभाव है, इन्होंने पहले भी सिरसा के अंदर एक कार्यक्रम था और उसके अंदर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। और भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो काम यही है कि कभी वो वैसे समाज को उपद्रवी गोत्र कहते हैं, कभी चार बच्चे पैदा करने की बात करते हैं और कभी बदकिस्मत कहते हैं। इनका एक स्वभाव बन गया अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको इस पुतले के माध्यम से जो आज हमने यहाँ दाह संस्कार किया है, उनको ये चेताया जाए कि वो अपनी भाषा पर कंट्रोल करें और ऐसे अभद्र बोलने वाले आदमियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके हुए संगठन के अंदर, और इनको दूर का रास्ता दिखाएं ताकि ये भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति की धरोहर जो है, इसको बचाया जा सके। विवादित बयान को लेकर रामबिलास का विरोध भिवानी में भी हुआ। बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अभद्र टिप्पणी के विरोध में सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामबिलास शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर रामबिलास शर्मा का पुतला फूंका। आज हम तमाम युवा कांग्रेसी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी के सभी सदस्य, हम सब ने हमारे प्रिय नेता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता द्वारा जो एक अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया है, जो उनके पर टिप्पणी करी गई है, उसके विरोध स्वरूप आज हमने उनका यहाँ पे पुतला फूंका है। और हमारी मांग है भाजपा सरकार से कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। प्रोफेसर रामबिलास शर्मा के खिलाफ एक पुतला जलाने का कार्यक्रम किया है उन्होंने। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री है और एक जो हमारे देश की पहचान है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो अपमान कल उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में उन्होंने जो एक अपशब्द करके उन्होंने कह रहा है, उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। हमारी युवा कांग्रेस की तरफ से भारत हरियाणा सरकार से एक अनुरोध है कि भी वो नैतिकता के आधार पर इनका रेजिग्नेशन लेटर लें, अपने पद से इस्तीफा दें। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा द्वारा जवाहरलाल नेहरू के बारे में किए गए आपत्तिजनक भाषण से खफा यहां के कांग्रेस नेताओं ने खट्टर सरकार का हरियाणा भर में विरोध किया। बात बिगड़ती देख रामबिलास शर्मा ने अपने बयान को लेकर सफाई देने में भी देर नहीं की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और पंडित जी की जब उनका देहांत हुआ तो उस दिन रोहतक से दिल्ली को बस जा रही थी, और उन्होंने किसी आदमी ने कहा कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया, तो 5-7 आदमी खड़े हुए, क्योंकि लक्ष्मीचंद जी लोकप्रिय बहुत थे। उन्होंने कहा भाई दादा लक्ष्मी जी से दुनिया छोड़ गए, नेहरू जी ने कहाँ बचना था, और उसमें कहीं मेरे से कोई बात है। तो मैं किसी की भावना दुखाने का हमारा कोई मंतव्य नहीं था। मैं आज एक फागुन मेले में बोल रहा था और फिर भी किसी को इस बात से ठेस पहुंची हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति निरादर का कोई भाव कभी मन में आ भी नहीं सकता, ना मेरा मंतव्य था, और फिर भी ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अभद्र टिप्पणी करने पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रामबिलास शर्मा को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। रामबिलास शर्मा अपने बयान पर माफी मांग रहे हैं। गौरतलब है कि रोहतक में एक कार्यक्रम के दौरान रामबिलास शर्मा ने किस्सा सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज।
खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।